हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे रुको जी, पहले इंट्रोडक्शन देने। तो आज हम चिकन लेंगे, उसको ड्राई फ्राई करेंगे, उसके साथ में थोड़ा ऑरेंज उसके बाद में बताइए। सो लेट्स मेक अमेजिंग ब्यूटीफुल एंड ओए होए होए चिकन विद ऑरेंज एंड क्रैनबेरी। सो लेट्स स्टार्ट। हे फ्रेंड्स, और आपकी गर्लफ्रेंड्स को इरिटेट करने के लिए एक नया रेसिपी लेके आ गया हूँ मैं। आपको अगर चिकन ब्रेस्ट पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए। और इसमें मैंने लिया है दो ही चिकन ब्रेस्ट, बिकॉज एक टाइम पे आप दो से ज़्यादा ब्रेस्ट खा नहीं पाओगे। चिकन को पतला पतला स्लाइस कीजिए क्योंकि पतला अच्छे लगते हैं। फिर उसके हम डालेंगे नमक, क्योंकि काटे और जले पर नमक छिड़कना अपना काम है। फिर उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। हाँ हाँ, सिर्फ लहसुन ही डालिए और कुछ मत डालिए। और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हॉट सॉस, क्योंकि हॉट आपको बड़े अच्छा लगता है। और फिर आपका बॉस का सर तोड़ने का जैसे मन करता है वैसे ही अंडा तोड़िए और उसके अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद अच्छे से फैलाइए जैसे आप बाहें फैलाते हो। फिर उसके अंदर उसको अच्छे से मिक्स करें, ऊपर नीचे मालिश करें और चिकन को मिलाए। फिर उसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। घर पे अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो मैदा डालिए, मैदा भी नहीं है तो कुछ मत डालिए, रेसिपी मत बनाइए। फिर इसको साइड क्लीन करेंगे। साइड क्यों क्लीन करेंगे? क्योंकि क्लीनिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिर एक पैन में हम डालेंगे खूब सारा तेल, जैसे प्रमोशन से पहले आप बॉस के ऊपर डालते हो। फिर उसके अंदर हम डालेंगे चिकन का मिक्सचर। चिकन का मिक्सचर क्यों डालेंगे? क्योंकि चिकन मैरिनेट किया है, उसको फेंकने के लिए नहीं, फ्राई करने के लिए। फिर उसको पैन में डालिए, मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। और उसके बाद जब चिकन में आए कलर, मतलब चिकन जब रंग बदलने लगे, फिर उसको निकाल लीजिए। फिर वो तेल और ज़्यादा गर्म करके उसमें ये चिकन डाल दें। ऐसा करने से चिकन थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, क्योंकि कड़क मुझे अच्छा लगता है। और फिर कड़क हो जाने के बाद उसको तेल से निकाल लेंगे, और तेल निकाल लेंगे क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, ज़्यादा तेल मैं खा नहीं सकता। फिर वही तेल इसमें ऐड करेंगे क्योंकि घर पे ज़्यादा पैसा है नहीं, सेम तेल यूज़ करके रेसिपी बनाना है। फिर उसमें डालेंगे स्कैलियन। स्कैलियन सुनने से बहुत फैशनेबल लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रिंग अनियन के नीचे का जो वाइट पार्ट है वही डाला इसमें, और उसके साथ में थोड़ा सा रेड चिली और क्रैनबेरी। क्रैनबेरी इसलिए बिकॉज खाने में मज़ा आएगा, क्रैनबेरी नहीं है तो इसको स्किप मत करिए, यही चाहिए। इसके बिना आप दूसरा आपका दिमाग में जो आए वो डाल दीजिए। उसके अंदर फिर से थोड़ा सा स्कैलियन डाला और उसको मिक्स की। सारा चीज़ मैंने हाई हीट में पकाया ताकि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, बिकॉज हमेशा सॉफ्ट अच्छा नहीं होता है, मेरा काम है। और फिर उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्योंकि काला चीज़ हमेशा ख़राब नहीं होता है, काला चीज़ में भी टेस्ट रहता है। उसमें डालेंगे ऑरेंज जूस, बिकॉज जूस आई ऑलवेज लव। फिर उसको मिलाए, उसके अंदर हॉट सॉस डाले, खूब सारा डाले, इतना मत डाले कि सुबह आपको दिक्कत हो। ये मिलाने के बाद उसमें डालेंगे तो चिकन ब्रॉथ पाउडर, और फिर चिकन ऐड करके इसमें मिक्स करना है। चिकन क्यों ऐड करना है, इसका कोई रीज़न नहीं है, रेसिपी चिकन का है, चिकन डालना ही पड़ेगा। फिर इसको मिक्स करना है क्योंकि सॉस फालतू में नहीं बना है। ये पूरा मिक्स हो जाने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन या फिर स्कैलियन डालिए और खा के मज़ा लीजिए। मतलब मज़ा पहले भी लेके भी खा सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। बट ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा, घर पर ट्राई कीजिए और सबके साथ शेयर करें। So finally, सब आएगा आज का ब्यूटीफुल अमेजिंग एंड ओए होए होए चिकन विद ऑरेंज एंड क्रैनबेरी ट्राई करने का। एंड ये टेस्टिंग का टाइम जब भी आता है आई फील सुपर एक्साइटेड। ये चिकन जो है यू कैन सर्व विद रोटी या फिर नान के साथ या फिर राइस के साथ भी। एनीवेज़, लेट्स एडिट, वो एडिट कर देंगे। सो ये जो चिकन है, लेट्स गिव इट अ क्विक बाइट बिकॉज इसका फ्लेवर ऑलरेडी ब्यूटीफुल है। एंड इसमें क्रैनबेरी ऑरेंज सबका जो फ्लेवर है ना, ओहो अलग से आ रहा है। Let's give it a first bite of this. Chicken is super soft, first of all. Secondly, वो cranberry का खट्टा बना ना, उसके साथ में orange का sweetness सब मिला के, this is insanely good. अगर आज का वीडियो पसंद आया, don't forget to like and share. Google पे दे दे कितना टेस्ट करेगा? Please subscribe guys. कैसा बंदा यार, किसके साथ शूट कर रहा हूँ?